केंद्र में बैठे हुए निजाम को डर लगता है केजरीवाल जी से, इसलिए केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर रेड डालने के लिए, उसके घर कपड़ों की अलमारी, उसके घर चावल, उसके घर गद्दे, उसके घर तकिया, उसकी रजाई, उसके कंबल में आप छान रहे हो कि कहीं कुछ सोना तो नहीं छिपा रखा। आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, काम करने की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के साथ पसीना बहा के सीखिए। आप सरकार बनवाइए, पहले साल में 1,00,000 टीचर्स भर्ती करेंगे, 1,00,000 नए लड़के लड़कियों को। टीचर से मिला तो पता चला एक एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गए टीचर्स वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक बच्चे को 5-5 क्लास को एक एक टीचर के जिम्मे छोड़ा हुआ था। लिए आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कहते हैं स्विमिंग पूल वाला स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड वाला स्कूल है, शानदार लैब लैबोरेटरी वाले स्कूल है। बहुत बहुत आभार और खास तौर से साबरकांठा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार, आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होके जो हौसला हम सबका बढ़ाया है, जो उम्मीद हम सबको दी है, मुझे याद नहीं आप लोग तो साबरकांठा से रहते हैं कि इस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में कि यहां 1 इंच भी एक आदमी के अटने के लिए सटने के लिए जगह नहीं बची है। ये आइल देख लो, साइड देख लो, ऊपर देख लो, पीछे देख लो, और हजारों लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी इतनी बड़ी सभा, इतनी उत्साह जोश भरी सभा इस सभागार में हुई होगी, गलत कह रहा हूं तो बताना। ये हौसला आप सब लोगों की यहां मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी इस बात की सबूत है कि गुजरात में जनवरी में, दिसंबर के अंत में, जनवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। यह माहौल मुझे दिल्ली की याद दिलाता है, जब 2015 में हम और अरविंद जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने जाते थे तो दिल्ली के भाइयों बहनों का इसी तरह से माहौल होता था, इसी तरह से गर्मजोशी से हर जगह स्वागत होता था। अभी 5 महीने पहले जब पंजाब में जाते थे वहां भी मुझको यही जोश दिखाई देता था, और आज मुझे यहां साबरकांठा में आके यही जोश दिखाई दे रहा है, गुजरात के कार्यकर्ताओं में यही जोश दिखाई दे रहा है, आम जनता में यही जोश दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ गुजरात में इस बात की नहीं है कि सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है, बात इतनी सी है कि गुजरात का हर आदमी अब यह चाहता है कि हमें भी अपने बच्चे के लिए शानदार एजुकेशन चाहिए। गुजरात का हर आदमी अब यह चाहता है कि हमें भी अपने बच्चों के अच्छे स्कूल करने हैं, सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोकनी है, हर आदमी अब यह चाहता है। इसलिए तय हो रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार अब बननी तय हो गई है। दिल्ली में 5-7 साल हो गए अब तो काम करते हुए, 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, हमें मौका मिला, मुझको मौका मिला शिक्षा मंत्री बन के काम करने का। पिछले 7 साल से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, स्कूल अगर खुला हुआ है तो मैंने नियम बनाया हुआ है कि मेरी सुबह 7 बजे स्कूल में होगी, रोजाना स्कूल जाता हूं, सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाता हूं, 1 स्कूल 2 स्कूल घूम के उसके बाद कोई काम शुरू करता हूं। इसकी वजह से खूब मेहनत की और आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं, 4,00,000 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले आम आदमी के बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो महंगी महंगी ट्यूशन दिलाएंगे अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन की, IIT में जाने की, रिक्शे वाले का बच्चा, प्रेस करने वाले का बच्चा, प्राइवेट कंपनी में गार्ड का बच्चा, सामान्य नौकरी करने वाले का बच्चा, दुकान चलाने वाले की लड़की आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है। जो सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पहले 80% रोते पीटते आते थे, कोई बच्चे 40% ले आए, कोई 50% ले आए, आज 100% 99.7% बच्चे वहां पास हो रहे हैं, और 40% 50% पे नहीं, अब 90% लाने वालों की संख्या, 95% लाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब में गया,
कल भी पंजाब के मिनिस्टर आए थे मुझसे और सीएम साहब से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर। पंजाब में भी यही आग लग गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री भी रोज 3-4 स्कूल रोज घूम के आते हैं सर, रोज जाते हैं वो इसको दफ्तर में, बाद में जाते हैं बोले मुझे तो पागलपन हो गया है कि मैं जब तक पंजाब के एक एक स्कूल में एक एक प्रिंसिपल से, बच्चों से, टीचर्स से नहीं मिलकर आऊंगा, मैं नहीं मान सकता कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। लगे हुए सुबह से। और वहां पे भी इसके नतीजे बहुत जल्द, एक साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलने लगेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सरकार चला रही है। मुझे लगता था कि शायद 27 साल में कुछ तो किया होगा। मुझे गोपाल भाई का फोन आया, उस्मान भाई का फोन आया पिछले दिनों जब हम लोग अप्रैल में आए थे, अप्रैल में इन्होंने कहा कि आप गुजरात के सरकारी स्कूल देखने आओ। तो मैंने सोचा यार क्यों मरवा रहे हो, कुछ अच्छे स्कूल बना रखे होंगे वहां। तो बोले नहीं बना रखे, बहुत बुरी हालत है। दोस्त है मेरे, मैं इन पे पूरा भरोसा करता हूं, पर फिर भी थोड़ा सा डरते डरते मैं आया। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं क्या स्कूल दिखाना चाहते हैं, बुरी हालत है तो हो सकता है 27 साल में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कुछ तो किया ही होगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। मेरे को बोले चलो शिक्षा मंत्री के हलके में चलते हैं, विधानसभा में चलते हैं। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा में मेरे को ये ले गए और वहां हमने दो स्कूल देखे, शहर में देखे, किसी गांव में भी नहीं। और दोनों के दोनों स्कूल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी 6 महीने से बंद पड़े किसी कबाड़ खाने को खोल दिया गया हो, मकड़ी के जाले चारों तरफ, दीवारें सड़ी हुई, सब रोग लटक रहा है उसमें से, और बच्चे वहां बेचारे फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं। टीचर से मिला तो पता चला एक एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखी गए टीचर्स वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे को 5-5 क्लास को एक एक टीचर के जिम्मे छोड़ा हुआ था। मुझे लगता है ये तो गुजरात के बच्चों के साथ गद्दारी है, ये तो गुजरात के भविष्य के साथ गद्दारी है। आज उसी चीज को बदलने की बारी है कि आइए हम मिलके गुजरात के बच्चों का भविष्य ठीक करते हैं, आइए मिलके हम गुजरात के बच्चों को अच्छे स्कूल देने की कसम उठाते हैं, आइए मिलके हम भारतीय जनता पार्टी को हटा के अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देते हुए अपने बच्चों की शानदार एजुकेशन के लिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कहते हैं स्विमिंग पूल वाला स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड वाला स्कूल है, शानदार लैब लैबोरेटरी वाले स्कूल है। एक एक स्कूल की लैब, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, खेल के मैदान, 5 साल तो बहुत लंबा समय, 27 साल की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, 2-3 साल के अंदर अंदर गुजरात का एक एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से शानदार ना हो जाए तो कहना इसकी गारंटी है आज। और सिर्फ बिल्डिंग चमकाने की बात नहीं है, बात सिर्फ यह नहीं है कि 5-स्टार बिल्डिंग बना देंगे, हर बच्चे का हक है गुजरात के कि उसको भी शानदार स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, शानदार लैब में बैठने का मौका मिले, शानदार लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिले। लेकिन हर बच्चे का हक है कि उसको भी प्राइवेट स्कूलों जैसी या दिल्ली के शानदार स्कूलों जैसी शानदार पढ़ाई मिले। इसलिए पढ़ाई बहुत शानदार कराएंगे, उसके लिए जितनी टीचर ट्रेनिंग करानी पड़े, आज दिल्ली में वही टीचर हैं लेकिन इतनी शानदार एजुकेशन दे रहे हैं, गुजरात में भी वही टीचर हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं गुजरात के, सरकार खराब है, सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं देती है, वही काम करेंगे। अगर मैं दिल्ली के टीचर्स को अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर आईआईएम अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स को स्कूल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कोर्स लेने भेज सकता हूं तो गुजरात के प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं भेजा जाता भाई अहमदाबाद के आईआईएम में? अहमदाबाद तो आईआईएम का तो गुजरात में ही है, उनको तो रोज भेजना चाहिए, यहां से खूब सारों को भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, टीचर्स उनके प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो टीचर्स ट्रेनिंग दिला के, टीचर्स को सारी सुविधाएं दे के पढ़ाई शानदार करेंगे। और जो टीचर्स की कमी है, मौजूदा स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, टीचर्स की कमी को पूरा करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19,000 टीचर्स भर्ती किए, 19,000। और आज मैं गुजरात में कह रहा हूं कि गुजरात में टीचर्स की भारी कमी है, आप सरकार बनवाइए, पहले साल में 1,00,000 टीचर्स भर्ती करेंगे, 1,00,000 नए लड़के लड़कियों को, पहले साल में 1,00,000 नए नौजवान टीचर्स को नौकरी मिलेगी, सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी, टीचर्स को, टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी मिलेगी और बच्चों को शानदार टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। यह आज केजरीवाल जी की गारंटी है।
और दिल्ली में, यहां गुजरात में विद्या सहायकों के बहुत सारे मसले, बहुत बड़े बड़े मसले विद्या सहायकों के। एक एक विद्या सहायक के सारे मसलों की अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट बना रखी है। आप सरकार बनवाइए, महीने भर के अंदर अंदर सबको सॉल्व करेंगे, सारे विद्या सहायकों के मसलों को सॉल्व करेंगे। मैं यहां से पिछली बार आया था तो कुछ युवा मिले थे, गोपाल भाई और रिजवान भाई ने भी मुझे और थोड़ा अपडेट दिया कि यहां बच्चे टीचर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टीईटी का एग्जाम नहीं कराती है। लोग टीईटी का एग्जाम के लिए भटक रहे हैं, डिग्री ले लेके, कि बीएड की डिग्री तो है, टीईटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने नहीं कराया। सारे टीईटी के एग्जाम हमेशा समय पे कराएंगे और उसके बाद सारी भर्तियां करते रहेंगे साथ साथ में, कोई पद खाली नहीं छोड़ेंगे। ये केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखा रहे हैं और गुजरात में भी करके दिखाएंगे। ये आज आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट गारंटी है। आइए गुजरात का भविष्य बनाते हैं। इनके हाथों में गुजरात के बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य सेफ नहीं है। हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अभी मैं यहां अंदर आया, एक बहन ने फूल दिया, टीका लगा के स्वागत किया। एक छोटी सी बच्ची, इतनी सी, बहुत भीड़ के बीच में बड़े हौसले से केजरीवाल जी को फूल देने के लिए खड़ी थी। मैंने उसको गोद में उठा लिया। मुझे लगा यही तो भविष्य है जिसको ऊपर उठाना है। आइए मिलकर गुजरात के भविष्य को ऊपर उठाते हैं। आखिर मैं एक चीज कहूंगा, लड़ाई आसान नहीं है। आप सब लोगों का जोश देख के हौसला हम सबका भी बढ़ता है, हमारा सबका हौसला देख के आप सबका भी बढ़ता है, एक दूसरे का देख के सबका बढ़ता है। अभी दो दिन पहले मेरे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। मेहमान अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे थे, लेकिन जिन्होंने भेजे थे उन्होंने बिना बुलाए भेज दिया था। मैं डरता नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं। काम करने की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के साथ पसीना बहा के सीखी है। मैं डरता नहीं हूं। और इसीलिए जब मेरे घर में सीबीआई पहुंची तो यकीन माने मेरे भाई और बहनों, मुझे एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा, एक सेकंड के लिए भी घबराहट नहीं हुई। थोड़ा दिल दुखा, दिल दुखता है, दिल दुखता है। मेरे घर में आके, आपके घर में आके, किसी भी के भी घर में आके अगर कोई आदमी यह कहे कि हटो हमारे सामने से, हम आपके कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं, आपके बीवी के कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या छिपाया हुआ है आप लोगों ने, आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी, उसके म्यूजिक, उसकी गिटार को पलट पलट के देखना चाहते हैं, तो दिल तो दुखता है लेकिन मन मजबूत है क्योंकि ईमानदार है। मन नहीं टूटा, दिल दुखता है कि यार दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं और केजरीवाल जी के साथ मिलकर देश के करोड़ों बच्चों को, एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए सुबह से शाम तपस्या कर रहा हूं। और उसके बाद केंद्र में बैठे हुए निजाम को डर लगता है केजरीवाल जी से, इसलिए केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर रेड डालने के लिए, उसके घर कपड़ों की अलमारी, उसके घर चावल, उसके घर गद्दे, उसके घर तकिया, उसकी रजाई, उसके कंबल में आप छान रहे हो कि कहीं कुछ सोना तो नहीं छिपा रखा, कहीं कोई पैसे तो नहीं छिपा रखे। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरे केजरीवाल जी जानते हैं, सब जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरी बहनें भाई जानते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, डरता नहीं हूं। इसीलिए जब आज ये बात आपने मीडिया पे देखी होगी, मेरे पास में मैसेज आया कि ये सीबीआई और ईडी, आप अगर इनसे बचना चाहते हो, अभी आपको गिरफ्तार करने की और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ,
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी एक पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं बिकूंगा नहीं। और साथ साथ, क्योंकि ईमानदार हूं इसलिए डरता भी नहीं हूं, और साथ साथ मैं यहां मुख्यमंत्री बनने तो आया ही नहीं था, मैं तो मंत्री बनने भी नहीं आया था। केजरीवाल जी ने मंत्री बना के कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखो। सपना जरूर लेके आया था कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले, और आज भी 7 साल बाद भी मेरे मन में दिल में यही सपना है कि देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। उसके लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई से डांट दो, ईडी से डटवा दो, छापे पड़वा दो, जेल में डलवा दो, मरवा दो, कटवा दो, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो काम करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए तो काम करते रहेंगे। आज गुजरात की जमीन पे ये मैं कह के जा रहा हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से मिल रहा है, उसको कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का एक बार फिर से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।